नक्षत्र मॉल की ओर से दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नक्षत्र मॉल उदयपुर डूंगरपुर लिंक रोड बांसवाड़ा, जिसमें मल्टीप्लेक्स, वातानुकूल होटल, रेस्टोरेंट, गेम्स, दुकानें एवं ऑफिस सभी एक ही छत के नीचे। नक्षत्र लैंडस्केप्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस उदयपुर डूंगरपुर लिंक रोड बांसवाड़ा, फोन नंबर 02962250999 2509। लियो कॉलेज डांगपाड़ा की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और बागड़वासियों को दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लियो कैंपस डांगपाड़ा, विलेज वाडगुन, उदयपुर रोड बांसवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 9414015344, 9680956034, 7568868383। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। पर्यावरण संरक्षण और पशुओं के प्रति प्रेम को लेकर आमजन त्योहार के माध्यम से संदेश देकर जागरूक करते हैं। इसी की एक वानगी राजस्थान के बूंदी जिले में देखने को मिली। बूंदी जिले में देई कस्बे में भाई दूज के अवसर पर बाबा घास भैरू की सवारी निकाली गई। यह सवारी तड़के अपने स्थान से प्रारंभ होकर बूंदी रोड, विवेकानंद सर्किल, बस स्टैंड, नई सब्जी मंडी, कुम्हार मोहल्ला, खेजड़ापाड़ा, घास का दरवाजा आदि पारंपरिक स्थानों से गुजरते हुए वापस अपने स्थान पर पहुंची। इस दिन बैलों की विशेष पूजा की जाती है। बैलों के साथ बांधकर लोक देवता भैरू बाबा की सवारी निकाली जाती है। वहीं सवारी में बैलों को बिना रस्सी गले में डालकर जोता जाता है। जूड़ी को लोगों द्वारा दबाया जाता है, जिससे यहां जूड़ी को दबाने के लिए लोगों में भारी कशमकश चलती रही। रंग बिरंगे बैलों के भड़कने से भीड़ को तितर बितर के नजारे से सवारी में जगह जगह रोमांच की स्थिति पैदा की। वहीं इस उत्सव में कलाकार विचित्र वेशभूषा पर लोगों का मनोरंजन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। वहीं लोगों को इस दौरान छोटी मोटी चोटें आई, लेकिन सभी को भैरू जी की कामी लगाकर ठीक किया गया। वहीं परंपरागत रीति रिवाजों के साथ सवारी में नवजात बच्चों को जूड़े के नीचे से निकाला गया। वहीं भाई दूज के दिन उल्लास और उमंग का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वहीं बाबा के मचलने पर उनको मदिरा का भोग व कलाल गीत गाकर मनाया गया। मान्यता है कि बाबा की सवारी निकलने से गांव में साल भर रोग द्वेष दूर रहता है, वहीं देश में अमन और शांति बनी रहती है। इस सवारी में पूरे गांव के सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया, जिससे ये सवारी सांप्रदायिक भावना की मिसाल बनती नजर आई और पशुओं के प्रति प्रेम जागृति फैलाने की अपील की गई। वहीं इस सवारी को देखने के लिए आसपास के स्थानों से लेकर अन्य जिलों के लोग भी पहुंचे। वहीं बताया जाता है कि यह परंपरा बरसों से चली आ रही है, जिसका छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक में भारी उत्साह बना रहता है। इसका मान ये जानवर आता है, अभी तो जानवर कम है ना, तो पहले की एक दनी गई, चार चार बैल रहते और बढ़िया जानवर बढ़िया पालता है। ये सोचो भी जानकारी भरू जी की है, इसलिए ये आरी बीमारी का रोग करता है। कोई भी बीमारी गांव में नहीं उड़ती है, ये पढ़ने से बच्चा बच्ची निकलता है, बच्चा बच्ची के ऊपर की दयन हो जाती है, जिसे डॉक्टर से भी नहीं मिटती है, ये भैरू जी मिटता है। इसलिए एक नारियल की पट्टी भैरू जी के फूटती है, उम्मीद बीमारी मटती है। ये बहुत प्राकृतिक मूर्त है, इसलिए अपन ये गांव के जो बड़ा बुजुर्ग है, छोटे मोटे माँ बहन सभी इस गांव के ही है, मेरे देखने के लिए छतों पे या नीचे हो जाते हैं। यहाँ गांव 800 ग्राम की बस्ती बहुत गलत थी और अभी एक 15,000 घर की बस्ती हो गई। इसमें कोई दोहरे की बात को नहीं, बाबा सबका ध्यान रखते, इसलिए मेरा तो यही कहना है, श्रद्धा सवारी भरती रहे और चलता रहे। कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाड़ा की ओर से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वन विभाग द्वारा जनहित में जारी अपील, अधिक से अधिक वन भूमि और सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षित करें। विभाग द्वारा 1,83,341 परिवारों को औषधि युक्त पौधों का किया वितरण। वन्य जीवों को रेस्क्यू कर विभाग को सहयोग करें। वनों की कटाई होने पर विभाग को सूचना देवे।
अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर अच्छे नागरिक होने का परिचय दे। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर शहर को और गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग करे। निवेदक कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाड़ा, मुख्य अधिकारी समस्त वन नाका प्रभारी एवं कर्मचारी जिला बांसवाड़ा राजस्थान। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी निवर्तमान जिला अध्यक्ष चांदमल जैन की ओर से दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक चांदमल जैन जिला कांग्रेस कमेटी निवर्तमान जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा राजस्थान।